हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न कैसे बनाते हैं और कैड ड्रेस स्केच पर किस तरह से अप्लाई करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइल में जाएंगे, यहाँ न्यू में जा करके 200x200 पिक्सल का एक कैनवास लेंगे 100x100 रिजोल्यूशन के साथ। इस पर हम लोग पैटर्न के लिए चार बॉक्स बनाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे फोर पार्ट में। तो जैसे रूलर हमारा दिया है, जैसे यहाँ एक के ऊपर यहाँ हम लोग इस गाइडलाइन को लेंगे और वर्टिकली जैसे लिया वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी लेंगे। यहाँ से शेप हम लोग लेंगे और कस्टम शेप टूल में जाएंगे और यहाँ से हम लोग ना किसी एक शेप को सिलेक्ट करेंगे और जिससे कि हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। तो जैसे पैटर्न के लिए कलर जो हमें चाहिए कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ना इस तरह से यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। ये जो सिंगल बॉक्स है इसको सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग तो पहले मार्की टूल से एक बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। पहले इसको कर लेते हैं, मूव टूल पर क्लिक करके ऊपर ये ऑप्शन आ जाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ऊपर के साइड में ये वाले, तो इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग चारों बॉक्स बनाएंगे। मार्के से एक स्क्वायर को करेंगे, देन मूव टूल पर जा करके उस लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, देन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब इन इसको कंट्रोल डी से इसको डी सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल डी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू शेप लेंगे। कोई घास जैसा, मतलब ग्रास जैसा, जिसमें हम लोग ग्रीन कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको भी सेम हम लोग वैसे ही सेंटर अलाइनमेंट करेंगे मार्की से सेलेक्ट करके। मूव टूल पर जा करके, मूव टूल लेने के बाद ही ये ऑप्शन विजिबल होते हैं, ध्यान रखना। इसी को ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे और अगेन मार्के से इसको सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल को क्लिक करेंगे, तब ये ऑप्शन दिखेंगे हमें और फिर इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन करेंगे तो सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पैटर्न के लिए ये पूरा बॉक्स एक तैयार। इसको हम लोग एडिट में जाएंगे, फिर एडिट में जा कर के डिफाइन पैटर्न करके ऑप्शन होता है, हम इसको क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो भी आपको नाम देना है हम लोग नाम देंगे इसको, 01 लिख देते हैं, इसको ओके करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न की लाइब्रेरी में हमारा पैटर्न सेव हो जाएगा। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अभी ये 200x200 पिक्सल का हमने एक पैटर्न बनाया, तो इसको हम लोग बड़े पेपर पर इसको अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पेपर की साइज़ थोड़ी सी बड़ी ले लेंगे, इसको आप 10 से मल्टीपल करके इसको 2000x2000 पिक्सल पर, या फिर आपकी जो चॉइस है आप जैसा आपको चाहिए उतना बड़ा आप इसको ले सकते हैं। पेंट बकेट में जा कर के
तो यहाँ ऊपर फोरग्राउंड के जस्ट नीचे पैटर्न करके होगा, तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सारे पैटर्न मिलेंगे जो हमने बनाया, वो सबसे लास्ट में मिलेगा हमें। तो उसको उठा करके जस्ट हमको उसको जस्ट क्लिक करना है। इसको हम लोग और एक दूसरे ऑप्शन से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लॉक उसको ओपन कर लेंगे हम, और जो लेयर स्टाइल मतलब लेयर को डबल लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके ये लेयर स्टाइल खुल जाता है, इसमें पैटर्न ओवरले करके ये ऑप्शन आता है। तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा, इससे तो इसकी ऑपेसिटी कम होगी और नीचे जो स्केल है इससे हम लोग उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं पैटर्न को। सो JPG इसके सेव कर लेंगे। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम दोनों को भी हटा देंगे। अब इसके बाद हम लोग अपना जो कैड ड्रेस जो स्केच हैं वो हम लेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ से ओपन करके जहाँ पर भी मेरा स्केच है उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। अब इस पे इस स्केच में हमें ध्यान देना है कि इसमें एक्चुअली का वाइट कलर है और ब्लैक लाइन है, इनको मुझे अलग करना है क्योंकि मुझे ना यहाँ पर पैटर्न अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लॉक हटा देंगे। पैटर्न हम लोग उसी के ऊपर ड्रैग करेंगे। इसको स्केल कर लेंगे हम लोग ड्रेस के अकॉर्डिंग, उसको थोड़ा सा कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें पैटर्न की ज़रूरत नहीं, अभी हमें इस पर काम करना है। तो इस पर हम लोग हमें एक्चुअली फर्स्ट तो मुझे क्या करना है, वाइट कलर को अलग करना है और लाइन को मुझे अलग करना है। तो लाइन को अलग करने के लिए मैं मैजिक वन टूल से मैजिक वन लेंगे, यहाँ सिमिलर से सारा का सारा पूरा वाइट कलर सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ ही, क्योंकि हमने पहले उसको बता दिया था कि मुझे व्हाइट कलर ही सिलेक्ट करना है। तो वो सिमिलर से सारा सेम टू सेम कलर सिलेक्ट हो जाएगा उसको, और फिर कीबोर्ड पर डिलीट करके सारा व्हाइट कलर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अभी मेरे पास केवल लाइन ड्राइंग बची है, तो चाहो तो प्लेयर को नाम दे सकते हैं हम लोग लाइन। अभी उसके ऊपर पैटर्न है। अब मुझे जो है इस लाइन पर जो बीच का जो शेप है जिस पर हमको पैटर्न को अप्लाई करना है, तो उतना ही पार्ट मुझे वाइट कलर में चाहिए। वाइट या किसी कोई और भी कलर हो सकता है, क्योंकि कलर तो दिखना नहीं है पर उसका मुझे एक शेप बनाना है, ड्रेस का शेप। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटर पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी जब हम लोग यहाँ कलर करते हैं तो आउटर पार्ट में कलर फिल हो जाएगा, पर एक्चुअली मुझे आउटर पार्ट में कलर चाहिए ही नहीं, मुझे उसके इनर पार्ट में कलर चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे इनर पार्ट के लिए सिलेक्ट में जाएंगे और उसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने से क्या होगा, अब आउटर पार्ट तो हट गया, इसको इसने केवल ड्रेस को सिलेक्ट कर लिया। अब ड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एक नई न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पर कलर फिल कर लेंगे। तो कलर पहले ही मैंने बता दिया कि कलर कोई भी हो सकता है, वाइट कलर हो, कोई भी जो आपकी चॉइस हो कलर आप ले लो, क्योंकि पैटर्न हमारा इस कलर पर अप्लाई होगा। तो पैटर्न दिखेगा, कलर तो दिखेगा ही नहीं। तो ध्यान रखना कि लाइन ड्राइंग जो है वो सबसे ऊपर हो, सेकंड नंबर पर मेरा पैटर्न और थर्ड नंबर पर मेरा जो शेप है वाइट कलर का वो शेप, ये ध्यान रखना है बस केवल इसमें।
अब इस पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेंगे ड्रेस के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरह से रैप टूल लेकर के, जैसे इसका नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेंगे ऐसा, और ये पार्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ है तो इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लेंगे, तो इससे थोड़ा सा उसका लुक है थोड़ा सा रियलिस्टिक फील होगा उसका। इसको चेक कर देंगे या तो कीबोर्ड पर एंटर कर देंगे। अब इसको यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक और इसको अप्लाई कर देंगे क्लिपिंग मास्क। तो इस तरह से हमारा कैड डिज़ाइन तैयार हो जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको शेड भी कर सकते हैं, इसका जो अपोजिट पार्ट होता है उसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर फील कर सकते हैं, शेडिंग का पार्ट कर सकते हैं इसमें, जैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम लोग कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। अब हम लाइन लाइन पर जाएंगे, लाइन के नीचे एक नया लेयर लेंगे कंट्रोल के साथ। हम यदि सीधा लेयर लेंगे तो लाइन के ऊपर आ जाता, लेकिन मुझे नीचे चाहिए तो कंट्रोल के साथ हम यदि प्रेस करेंगे तो नीचे ही आएगा। तो लाइन के नीचे हमने एक लेयर ले लिया। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा टोटल ब्लैक तो नहीं, लेकिन शेडिंग के लिए कुछ इस तरह से करेंगे, ब्रश की साइज़ छोटी करेंगे और यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ इसको हम प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। एक्चुअली एक जगह जस्ट क्लिक करो, देन दूसरी जगह जहाँ आपको चाहिए वहाँ पर क्लिक करो शिफ्ट के साथ, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे मैंने यहाँ ये क्लिक किया देन शिफ्ट के साथ मैं प्रेस किया तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें। अब जैसे कुछ जगह डार्क लग रहा है तो इसको हम लोग इसकी ऑपोसिटी कम करके इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं बाद में, और जस्ट शेडिंग के लिए हम लोग स्टार्टिंग तो कर लेते हैं, इसके बाद में इसकी ऑपोसिटी कम कर सकते हैं। और इसको इरेज़र से थोड़ा सा फाइन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इरेज़र में जो फर्स्ट वाला इरेज़र उसको ले लेंगे और इसको थोड़ा सा शार्प करेंगे लाइन के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऊपर भी इसी तरह से करेंगे, और यहाँ पर जैसे जैसे कपड़े की जो उल्टी साइड है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम उसको ग्रे कलर टाइप कुछ करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी ऑपोसिटी कम करेंगे तो देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इस थोड़ा सा और काम करेंगे इस पर, जैसे ये बता रहा था ये जो उल्टी साइड, तो लाइन पर जा कर के वो सिलेक्ट होगा, लाइन लेयर पर ही जाना पड़ेगा मुझे तभी वो सिलेक्ट होगा, अन्यथा किसी और लेयर पर नहीं सिलेक्ट होगा। तो हम लोग लाइन लेयर पर ही इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी छोटा है लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको भी सिलेक्ट कर देंगे। और इसी तरह से कुछ पार्ट नीचे भी है,
और बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा बहुत है, तो इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर, बहुत ज़्यादा डार्क होता है तो उसको हम उसकी ऑपोसिटी कम कर देंगे। अब एक साथ ही सभी जगह ये फिल हो गया। थोड़ा सा और करते हैं। अब पीछे जो ग्रे कलर है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर भी ग्रे हो गया, तो पीछे वाला कलर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। उस पीछे कलर का उस यहाँ से जो चाहिए, जिस तरह का कलर चाहिए, या व्यू में जाकर के हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे इस काम को ना, इसका तो हम पहले ग्रुप बना लेंगे, और हमेशा याद रखना है कि ग्रुप बना करके उसको डुप्लीकेट करो। जब भी आपको मर्ज करना है, मर्ज करने से पहले एक ग्रुप अलग रख ही लो। अब मर्ज करने के बाद इसका हम लोग शेडो बनाएंगे, तो शेडो के लिए हम लोग सिंपल ब्रश लेंगे, ब्रश टूल, और ब्रश जो होना चाहिए स्मूथ वाला। हाँ, और इसको जस्ट वन क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म से नीचे कर लेंगे ऐसा, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है शेडो, और उसका लुक एंड फील थोड़ा सा ठीक ठीक लगता है। यदि आपको डार्क लग रही है तो इसको आप कम कर सकते हैं थोड़ा सा, इसका डार्कनेस शेडो का। थैंक यू फ्रेंड्स।